कश्मीर बंद मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र समय समय पर कश्मीर के मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। वहीं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बातचीत के जरिए कश्मीर मामला सुलझाए जाने की अपील दोहराते हुए कहा कि जो भी समाधान हो उसमें घाटी में रह रहे लोगों के मानवाधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बृहस्पतिवार 24 अक्टूबर को हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुतारेस मौका मिलने पर इस मुद्दे पर दोनों देशों के साथ बातचीत करते रहेंगे। गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतारेस ने महासभा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से कश्मीर के मामले पर बातचीत की। दुजारिक ने कश्मीर में हालात से जुड़े एक प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि बातचीत के जरिए स्थिति सुलझाई जाए और जो भी समाधान हो उसमें कश्मीर में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान बना रहे, ऐसा समाधान दोनों देशों को मिलकर करना होगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पिछले महीने कहा था कि कश्मीर मामला सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बहुत आवश्यक तत्व है और यदि दोनों पक्ष मदद के लिए कहते हैं तो वह इसके लिए तैयार हैं। भारत ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और उसे किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की विशेष एग्नेस कालमार्ड ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय के एक प्रेस वार्ता के दौरान शुक्रवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विशेष प्रक्रियाओं के साथ कश्मीर की स्थिति हम में से कई लोगों के लिए एक बड़ी चिंता है, लेकिन यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां हमें इस मुद्दे को एजेंडे पर रखने के अलावा पहचानने की जरूरत है। एग्नेस ने कहा कि पिछले महीनों के दौरान मैंने भारतीय अधिकारियों के साथ कश्मीर बंद और कई मामलों के बारे में जानकारी के साथ ही संचार व लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की है। भारत सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। हम सुनिश्चित तौर पर कश्मीर की स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।